अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत इजी और घर में पड़ी हुई चीज़ों से आसानी से बन सकती है। मैं ये बर्फ़ी बनाने लगी हूँ सूजी से और गंदम के आटे से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके लिए कंडेंस मिल्क बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने एक कप से, ये थोड़ी सी कम चीनी है, ये इसमें डाल दूँगी पैन में, और इसके साथ ही एक कप भर के मैं दूध का डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह पका लूँ। चीनी को और दूध को थोड़ी सी मैं आग तेज़ करके इसको पका लूँगी और तकरीबन 5 मिनट में इसका कंडेंस मिल्क बन जाएगा। दूध को और चीनी को मैंने इस वाले पैन को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के पैन में डाल दूँगी और इसको हल्का सा मेल्ट होने दूँगी। जैसे ये मेल्ट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, देसी घी अच्छी तरह मेल्ट हो गया। इसके अंदर एक प्याली भर के मैं गंदम के आटे के डाल दूंगी। आग बिल्कुल स्लो कर देनी है, हल्की आग, जैसी दम वाली आग होती है उस आग पे मैं इस आटे को अच्छी तरह भून लूंगी। आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, हल्की आग पे ये काम करना है। और इस साइड पे कंडेंस मिल्क भी हमारा तैयार हो रहा है, इसको मैंने एक साइड पे रखा हुआ है और इसको हल्की आग पे मैं भूनती रहूँगी 5 मिनट के लिए। मैं इसको ऐसे ही भून रही हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, दूसरे चूल्हे पे कंडेंस मिल्क भी तैयार हो रहा है और आटे को भूनते हुए मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो गए। आग मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पे एक प्याली के जितना गंदम का आटा था इसके अंदर मैं आधी प्याली से भी थोड़ी सी कम ये सूजी ऐड कर दूँगी। इसको भी इसके साथ भून लेना है। आग यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। आटे और सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल हल्की आग पे इसको भूनना है और कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये नीचे कहीं कहीं से लग जाएगा और इसमें जलने की स्मेल आएगी, इसलिए इसमें मैं कंटिन्यूसली इस तरह चम्मच हिला रही हूँ। और टाइम यहाँ पे मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी स्लो आग पे इसको भूनना है और कितनी देर में ये परफेक्ट भुन जाएंगी दोनों चीज़ें। अभी मैं इसमें ऐसे ही कंटिन्यूसली चम्मच हिला रही हूँ। दूसरी साइड पे तकरीबन हमारा कंडेंस मिल्क बनने वाला है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, आटा और सूजी हमारी अच्छी तरह भुन गई है और इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 18 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं 1 कप के जितना ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूंगी, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आएगा। और इसके साथ ही 1 ही कप में नारियल का बरादा डाल दूंगी, ये भी डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर ये जो मैंने कंडेंस मिल्क बना के रखा हुआ था एक साइड पे, इसको इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे देखें जी, कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे तकरीबन मैंने 5 मिनट और पका लिया और ये देखें सारी ये जो बर्फी है पैन के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको किसी मोल में सेट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक मोल और इसके अंदर हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल के ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह फैला लेना है। इसको अच्छी तरह फैला के और ये बर्फी मैं इसमें सेट होने के लिए रख दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, बर्फी को मैंने सेट कर लिया। इसके ऊपर थोड़े सी मैं बादाम ऐसे काट के डाल दूंगी और इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी और इसको सेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रखने लगी हूँ। तो 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बर्फ़ी को सेट होने के लिए रखे हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। अब इसको मैं काटती हूँ, अच्छी तरह ये सेट हो गई है और ये देखिए आराम से ये कट रही है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने ये बर्फ़ी बनाई है और आप लोगों ने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।